नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़, मंदसौर और रामगंज मंडी क्षेत्र से जुड़ी हुई दिन भर की तमाम खबरें। भवानी मंडी शहर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान द्वारा सन 2018 में भर्ती हुए सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद सफाई कार्य पर लगाने के आदेश जारी किए थे, परंतु आज दिनांक तक इन आदेशों की पालना पालिका द्वारा नहीं की गई है, जिससे नगर पालिका क्षेत्र की सफाई व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। उक्त भर्ती के तहत कहीं गैर वाल्मीकि समाज के युवा भी सफाई कर्मचारी के तौर पर भर्ती हुए हैं, परंतु उनमें अधिकतर आज भी अपने मूल पद सफाई कार्य पर नहीं लगे हुए हैं, जिससे सफाई कार्य बाधित और प्रभावित होता है। इसको देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग समय समय पर इन भर्ती सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद सफाई कार्य पर कार्य करने के लिए आदेश निकालता रहता है, और इसी क्रम में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान द्वारा पुनः उक्त भर्ती कर्मचारियों को उनके मूल पद सफाई कार्य पर लगाने हेतु आदेश जारी किया है। सभी वाल्मीकि सफाई कर्मचारी ज्ञापन में मांग रखी है कि उक्त आदेश की पालना करते हुए पालिका में कार्यरत समस्त गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद सफाई कार्य पर लगाया जाए। यदि शीघ्र ही हमारे मांगे पूरे नहीं की गई तो सफाई कर्मचारियों द्वारा 4 अक्टूबर को ड्यूटी पर उपस्थित होकर कार्य का बहिष्कार किया जाएगा और निश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसका समस्त उत्तरदायी नगर पालिका प्रशासन ही होगा। और इस दौरान सुरेश जमादार, अनिल राणवा और पंकज मिनोलिया, संतोष डागर, कैलाश खरे, राहुल गोठाड़, कैलाश चंद, श्यामलाल, राकेश, दिनेश, सुरेश कुमार, विक्रम, अशोक, तूफान, नीतूबाई, सीमा, पिंकी, अनिता, निर्मला, समस्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। आंखें ईश्वर की अनमोल धरोहर है और ऐसे में किसी को नेत्र ज्योति प्रदान करना सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। यही कारण है कि नेत्रदान के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है, और भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश जलाल ने बताया कि समाचार पत्रों के सहयोग से और नगर के लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। उन नेत्रदान का विषय भवानी मंडी में घर घर पहुंच चुका है तथा नागरिक लगातार पहल करके नेत्रदान का संकल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय प्रकोष्ठ के मंडल प्रभारी और खंडेलवाल समाज भवानी मंडी के अध्यक्ष शिव खंडेलवाल ने अपने 48वें जन्मदिवस के अवसर पर नेत्रदान का संकल्प लिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार राज्य भाजपा सरकार की नाकामी, 10 माह के शासन में जनहित में कोई निर्णय नहीं ले सकने और बिजली कटौती, बदहाल स्वास्थ्य सेवा, अतिवृष्टि से फसलों में नुकसान होने आदि समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोड सिंह परमार के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में अतिवृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान तो हुआ है, वहीं क्षेत्र का किसान बहुत ही परेशान। अघोषित बिजली कटौती और लेसर कानून व्यवस्था आदि मुद्दों पर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज उपखंड कार्यालय के सामने विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर विधानसभा प्रत्याशी चेतराज गहलोत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गौशाला में जाकर गौमाताओं को हरा चाला खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोड सिंह परमार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आसुलिया, विधानसभा प्रत्याशी चेतराज गहलोत, पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा, सरपंच बहादुर सिंह, कांग्रेस नेता पुकराज जैन, हाकिम खान, ब्लॉक सेवादल अध्यक्ष आनंद काला, महिला नगर अध्यक्ष नीता खत्री, नगर मीडिया प्रभारी मान सिंह जुजारू, पूर्व सरपंच उमराव सिंह चौहान, डॉक्टर अर्जुन सिंह, सरदार सिंह, गुमान सिंह, अर्जुन सिंह, नेपाल सिंह, मोहन मेघवाल, सेवादल नगर अध्यक्ष राकेश चावला, रईस मंसूरी, पीरूलाल मेघवाल, जाहिद चौधरी आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी शहर के पचपाड़ पुलिया पर नहाते समय नाबालिग के डूबने की सूचना प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बाहर निकाल कर लाया गया है। भवानी मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरंत डॉक्टर द्वारा इलाज से नाबालिग को बचाया गया। भवानी मंडी क्षेत्र के भीमनगर का बताया जा रहा है, नाबालिग वहीं मौके पर लाइट के कार्य के दौरान चिल्लाने की आवाज़ आने पर बहादुर सिंह ने मौके पर जाकर नाबालिग को नदी के पुल से बाहर निकाला और जाको राखे साहिया मार सके ना कोई। बहादुर सिंह परासली जो कि कुमार मोहल्ला पचपाड़ में डीजे और लाइट डेकोरेशन का काम कर रहे थे, तो बच्चों को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नदी की तरफ देखा तो वहाँ एक बच्चा नदी में डूबता हुआ दिखाई दिया, जिस पर बहादुर सिंह ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए परासली में नदी में कूदकर बच्चे को बचाया। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के बड़ाई गांव निवासी एक बालक को नदी में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी देते हुए राकेश द्वारा बताया कि मेरा भतीजा अभिषेक, पिता पीरूलाल,
जाति डांगी उम्र 11 वर्ष स्कूल की छुट्टी होने के बाद नदी पर नहाने के लिए गया हुआ था, जहां उसका अचानक पैर फिसल जाने से घायल हो गया, जिससे नदी से बाहर निकाल कर बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां डॉक्टर द्वारा उसे प्रथम दृष्टयान में मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया। चोमेला में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस समारोह में राजमाता विजयराजे सिंधिया वृद्धाश्रम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मेघवाल मुख्य अतिथि, जिला उपाध्यक्ष जगदीश भावसार अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर वृद्धजनों का सम्मान किया गया और उन्हें श्रीफल और माल्यार्पण और पेंट शर्ट और धोती और साड़ियां देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गंगधार पुलिस उपाधीक्षक ने अपने उद्बोधन में वृद्धजनों का सम्मान वृक्ष प्रयत्न करते रहने का आग्रह किया और अपने कर्मों का हिसाब किताब रखते हुए प्रभु भक्ति में लीन रहने के लिए साथ ही वृद्धजनों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में उन्हें जानकारी दी। पिड़ावा शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधान रामलाल चौहान की अगुवाई में चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल बांटे और गोवंश को चारा खिलाकर डोटासरा की दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान पूर्व प्रधान रामलाल चौहान ने कहा कि डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी के लिए हर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर प्रदेश के कांग्रेस को मजबूत किया है। इस दौरान नगर अध्यक्ष वीरेंद्र बागवान, पूर्व नगर अध्यक्ष नसीरुद्दीन खान, तो रणजीत चौधरी, रणजीत सिंह चौहान, मान सिंह चौहान, फरीद अहमद मंसूरी, मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, ओम प्रकाश पाटीदार, जान मोहम्मद, पारस जैन, शंकर सिंह, कृपाल सिंह, यूसुफ रईस, सीताराम शर्मा, सुभाष डांगी, विशाल सोनी, घीसु धोबी, अरशद उल्ला, जमील मंसूरी, राकेश सुमन, मुकेश, राहुल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में मनाया डोटासरा का जन्मदिन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेम सिंह चेकाउत के आदेश अनुसार झालावाड़ कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जो कि गोविंद सिंह डोटासरा थे, उनका जन्मदिन गोवंशों को चारा खिलाकर जिले के आमजन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर जिले कलेक्टर को कांग्रेस सेवा दल की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। मिश्रौली में पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गरिमा और ऑपरेशन जागृति 2 के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिश्रौली में बालक बालिकाओं को थानाधिकारी नरेंद्र सुनेरीवाल द्वारा पोक्सो अधिनियम में संबंधित होने वाले अपराध, घरेलू हिंसा, अपनी समस्याओं को ना बता पाना तथा खुलकर अपनी समस्या बताने के लिए बालिकाओं से समझाइश की गई और यातायात के नियम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल व मिश्रौली पुलिस टीम स्टाफ मौजूद रहा। झलावड़ में सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के बैनर तले शहर के मुंडेरी इलाके में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मान समारोह और स्नेह मिलन कार्यक्रम में जिले भर के रिटायर्ड पुलिसकर्मी और अधिकारी शामिल तो हुए, वहीं इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने जहां उनके सेवाकाल के अनुभव को साझा किया तो वहीं सेवानिवृत्त के बाद आने वाली कई समस्याओं का भी मंथन कर उनके समाधान को लेकर विचार मंथन किया गया। झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम और बकानी थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 51 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,47,000 रुपये की कीमत बताई जा रही है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि मादक पदार्थ और तस्करी और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए चलाए गए जिले में अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी सूचनाएं मिलने पर पुलिस की जिला स्पेशल टीम को और बकानी थाना पुलिस ने बकानी क्षेत्र के भालता रोड पर छोटी मोटी घाटी नाके में नाकेबंदी की और वहां से गुजर रहे राहगीरों और वाहन चालकों की तलाशी ले रही थी। उसी दौरान रामचंद्रपुरिया की ओर से एक पैदल राहगीर आता हुआ नजर आया, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए उसके पास से अवैध मादक पदार्थ पाया गया और उसे डिटेन किया। झालावाड़ के समीप काली सिंह नदी की मुंडेरी पुलिया स्थित एनिकट में नहाते समय एक व्यक्ति की पुलिया में फंसने से हुई मौत। पुलिस ने शव को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। मंडावर थाना पुलिस ने हेड कांस्टेबल ब्रजेंद्र गुर्जर ने बताया कि मध्य प्रदेश के सागर जिला निवासी हालम मुकाम बस स्टैंड यादव मोहल्ला निवासी जय कुमार पुत्र बीरमचंद उसके रिश्तेदार के साथ नदी पर कपड़े धोने गए थे। पुलिस का कहना है कि उसी दौरान जय कुमार वहीं निकट में नहाने लगा था, लेकिन पानी का भाव तेज होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह तेज धार में पुलिया के अंदर फंस गया और
हालांकि उसको बचाने के लिए काफी प्रयास भी किया स्थानीय लोगों ने, लेकिन उसके हाथ पकड़ कर उसको जब बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन उसको नहीं बचा पाए और उसके मुंह में पानी भर जाने की वजह से वह अचेत हो गया। जैसे तैसे करके उसको बाहर निकाल कर झालावाड़ अस्पताल लेकर आए जहाँ डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित किया। कि डूबने से मौत हुई, क्या सूचना मिली थी और क्या हुआ? मध्य प्रदेश सागर का निवासी जय कुमार गुजराती, उसके मतलब उसकी बुआ की लड़की रत्ना व उनके परिजन पति कमल के साथ नदी पर कपड़े धोने के लिए गए थे। कपड़े धोने के दौरान वो थोड़ी दूर जाकर नहाने लगा, नहाने के दौरान उसका पांव बहाव में आराम से वो आ गया, उसकी मृत्यु हुई। जब वहां मौजूद राहगीरों ने उसको निकालने की कोशिश की लेकिन उसके पांव उसके पुलिया के मौके में फंसने से, पानी के बहाव तेज होने से पांव प्रेशर आने से वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। मौके से लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौजूद मौके पहुंची, रेस्क्यू करके बाहर निकला, परिजनों की सहायता से बाहर निकाला, अस्पताल लेके आए। मैं डॉक्टर साहब ने डोला ने कहा बस घोषित कर। कितनी बजे की घटना है लगभग? ये लगभग 12 बजे के लगभग गए थे और ये घटना अब से लगभग 4 बजे के लगभग बाहर निकाला उसको। झालावाड़ के गंगदार उपखंड क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह प्रतियार की अध्यक्षता में डग पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि और सुसनेर विधानसभा विधायक भैरू सिंह परिहार के मुख्य आतिथ्य में गौशाला में गायों को हरी घास खिलाकर और साथ ही क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा घोषित बिजली कटौती के सुधार करने और अत्यधिक बारिश से खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजा देकर किसानों को राहत प्रदान किए जाने की मांग की। इस दौरान समस्त कांग्रेस से बदल युक्त कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता और सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मनोर थाना तहसीलदार द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अवैध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 1 महीने की सजा सुनाई है। तहसीलदार मोहन पंकज ने बताया कि मनोर थाना उपखंड क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। इस समय कार्रवाई करते हुए मांगीलाल रघुवीर अंतर सिंह पहलवान बलराम भावरिया गणेश राम भरत सिंह डालचंद के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में अवैध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार वारंट जारी करते हुए 1 महीने की सजा सुनाई गई। झालावाड़ में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में मिनी सचिवालय के सभागार में वृद्धजन सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण द्वारा शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया, जिनमें तहसील झालरापाटन के ग्राम वृंदावन के निवासी 101 वर्षीय मांगीलाल पुत्र देवा तथा गायत्री मंदिर के पास झालावाड़ निवासी 100 वर्षीय किशनलाल पुत्र मांगीलाल को कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना अंतर्गत गांव कचारिया के रहने वाले शिवलाल नाम के युवक का शनिवार को अपहरण हो गया, जिसके बाद सोमवार शाम को नाराज ग्रामीणों ने सीतामऊ नगर के थाने में सामने वहां पर चक्का जाम किया। और दरअसल शनिवार को शिवलाल अपने गांव काचरिया से सीतामऊ मोबाइल खरीदने के लिए वो आया था। इसी दौरान कुछ युवक उससे गाड़ी में बिठाकर उसका किडनैप करके ले जाते हुए पाए गए और उसे नशे का इंजेक्शन दिया। सोमवार शाम को किडनैप हुए युवक शिवलाल को कृषि उपज मंडी के पास के रास्ते पर फेंक कर चले गए, जिसके बाद घायल युवक ने सीतामऊ थाने पर जाकर जानकारी दी मगर उसे थाने से भगा दिया। घायल युवक ने अपनी परिजनों को फोन लगाकर जानकारी दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सीतामऊ में रोड पर बैठकर चक्का जाम किया और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात पर अड़े रहे हैं। मंदसौर में नगर पालिका द्वारा आज शहर के मुख्य सड़क मार्ग से अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े अस्थायी ठेलों वालों को हटाया गया। इस दौरान कुछ दुकानों से सामग्री भी जब्त की गई। मंदसौर शहर में लगातार हाथ ठेला व्यवसायों की संख्या बढ़ने से शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर अस्थायी रूप से बड़ी संख्या में हाथ ठेले वाले खड़े होने लगे, जिसकी वजह से सड़क मार्ग बार बार जाम हो जैसे हालत उत्पन्न होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा आज यह अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत कार्रवाई की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।